देखिए, हम आगे हैं गीता गोपाल चौक और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पार्क, पटेल पार्क। पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा हम सुभाष पार्क गए थे, देन अब हम जा रहे हैं पटेल पार्क। ये पार्क भी बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ से आर्मी एरिया स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही, ये जो लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत ही साफ सुथरी लोकेशन है। ये पूरा आर्मी एरिया के अंडर आता है। और गाइस, हम आ चुके हैं पटेल पार्क, यहाँ से एंट्री है। और गाइस, ये पार्क बहुत पुराना है, 250 साल पुराना पटेल पार्क है जो कि 16 एकड़ में फैला हुआ है और ये सरदार पटेल पार्क से नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा एंट्री में इनका स्टैचू भी लगा है सरदार पटेल जी का। अब मैं आपको ये दूसरे पार्क में लेके आई हूँ। ये आर्मी एरिया के अंदर है ये पार्क और ये पार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये अभी सेकंड पार्क में आपको लेके आई हूँ। ये पटेल पार्क है, इस पार्क का नाम है पटेल पार्क और इस पार्क से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। मैं कॉलेज टाइम से यहाँ पर आ रही हूँ और इस पार्क में मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ और ये बहुत फेमस है। कई लोगों को पता लग गया होगा कि क्यों फेमस है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ इस पार्क में भी। इस पार्क में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, बहुत हरियाली है। यहाँ पर भी बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत कुछ बना हुआ है और यहाँ पर भी झूले हैं और इन झूलों में भी मैं बैठा करती थी। हम यहाँ पर तीन गर्ल्स आती थी बंक मार के कॉलेज का। आइए मैं आपको ले चलती हूँ। और देखिए गाइस, अंधेरा भी होना स्टार्ट हो गया है, लाइट वगैरह जलने लगी है। ओह माय गॉड, यहाँ पर कुछ बन रहा है, आई थिंक यहाँ पर फाउंटेन बनेगा। पहले यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं थी। ये पार्क अब हो गया है बहुत ज़्यादा डेवलप। ये देखिए, और बारिश इतनी आई है कि यहाँ पर भी पानी वगैरह भरा हुआ है थोड़ा, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, स्लाइडिंग वगैरह जो करते हैं यहाँ पर बच्चे। और अभी तो यहाँ पर मुझे इतने लोग दिख नहीं रहे हैं, आई थिंक उस साइड होंगे लोग। तो आइए चलते हैं। और गाइस, यहाँ पर ना मैं बता देती हूँ ये फेमस क्यों है इतना पार्क, बिकॉज यहाँ पर ना बहुत सारे कपल्स आते थे पहले। मैं पहले की बात बता रही हूँ 2015 के आसपास, बिकॉज मेरा कॉलेज का टाइम 2015 का था, मैं डिप्लोमा करती थी तो मैं यहाँ पर तब आई थी, लेकिन मैं बॉयफ्रेंड के साथ नहीं आती थी उस टाइम। क्या, मेरा तो अभी भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मैं तीन लड़कियों के साथ आती थी, तो वो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब यहाँ पर ना कपल्स ना छुप छुप के बैठा करते थे। बहुत बढ़िया पार्क है ये। और यहाँ पर पेड़ इतने पुराने हैं ना, इतने पुराने पेड़ है कि बहुत प्यारे हैं। तो ये देख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा खुफिया जगह है ये थोड़ी सी, यहाँ पर कपल्स बैठा करते थे। और हम जान मुझ के तीन गर्ल्स ना बीच से निकलते थे, उनके जो भी प्लानिंग होती थी उनको भंग कर देते थे हम। आइए, और ये बहुत ही ज्यादा पुराना पार्क है जो आपको मैं पहले पार्क में लेके गई थी, सुभाष पार्क। वो तो अभी जाके बना है, आई थिंक उसको भी 3-4 साल हो गए ना, शायद 3 साल हो गए हैं उसको। और बहुत बढ़िया पार्क बना है और वहाँ पर तो बहुत सारे, मतलब सब टाइप के बंदे आते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर इतनी पब्लिक दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन अब यहाँ पर इतने कपल्स नहीं आते हैं बहुत ज्यादा, मतलब ये भी डेवलप हो चुका है पार्क। और उस साइड ना वहाँ पर लेडीज जेंट्स आते हैं, तो अब मैं दिखाती हूँ। आइए, तो देख सकते हो आप कितना बड़ा पार्क है ये, सॉरी पार्क नहीं, पेड़। कितना बड़ा पेड़ है ये। और ये मंदिर की घंटी बजी और यहाँ पर मंदिर भी है और इसके ना बैक साइड एक स्कूल है। हाँ, स्कूल है, वहां पर से ना बच्चे बंक मार के आते थे। और देखिए गाइस, ये तालाब है। ओह माय गॉड, आरती स्टार्ट हो गई है। गाइस, ये तालाब है और यहाँ का पानी अभी थोड़ा सा हो रखा है गंदा।
दर्शन कराए हैं और कितने अच्छे टाइम पे आए हैं हम। यहाँ पर आरती चल रही है और गाइस मैं मंदिर के दर्शन नहीं कर सकती बिकॉज हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारी में डेथ हो रखी है किसी की, तो मैं अभी मंदिर में नहीं जा सकती। नहीं तो आपको पता है मैं मंदिर बिल्कुल छोड़ने वाली लड़की नहीं हूँ। और गाइस यहाँ पर भी ना कपल्स बैठा करते थे और हम जानबूझ के तीन गर्ल्स ऐसे करके जाती थी। मतलब इस पार्क में ना कुछ भी चेंजेस नहीं आया, बस थोड़ा बहुत आया है चेंजेस वहाँ पर उस साइड, और मैं आपको उस साइड लेके चलती हूँ। और ये पार्क भी बहुत ज्यादा बड़ा है। आ जाओ। और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यहाँ पर ना कोई नहीं है इस टाइम, मतलब बहुत ज्यादा कम लोग है, कोई नहीं है। और यहाँ पर आप पिक क्लिक करवा सकते हो, वीडियो बना सकते हो, शूटिंग कर सकते हो आप, रील्स वगैरह बना सकते हो आप। मुझे याद आया, मेमोरीज मैंने आपको बताया ना कि मेरी पुरानी यादें ताजा हो रही है। और यहाँ पर हम तीन लड़कियाँ बैठी रहती थी और देखती रहती थी, बातें करती रहती थी, मस्ती करती रहती थी। और गाइस ये जगह है, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो, जैसे अगर बारिश वगैरह आ जाती है यहाँ पर भी कपल्स बैठा करते थे। और मेरे टाइम में ना यहाँ पर ना ब्लैक पता नहीं किसी चीज़ से वहाँ पर ना कपल्स के नेम लिखे होते थे, मेरे ख्याल से अब नहीं होंगे, शायद सफेदी करवा दी होगी इन्होंने। हाँ अब नहीं है यहाँ पर नाम नहीं लिखा। हाँ गाइस अब यहाँ पर नाम नूम नहीं लिखा है किसी का, अब यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दिया है उन्होंने, इसको सफेद भी करा के पेंट वगैरह करके इसको ठीक कर दिया है। नहीं तो यहाँ पर बहुत कपल्स के नाम लिखे होते थे, वो लिखे नहीं होते जैसे कि किसी का भी नाम लड़का लड़की बीच में लव दिल बना देते थे एरो एरो से। गाइस देखो यहाँ पर देखो बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, ये चीज पहले जैसी ही है, पहले भी ऐसी थी और हम यहाँ पर ऐसे बैठा करते थे। और मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि उस टाइम पे मैंने यही कपड़े पहने थे और मैंने ऐसे करके फोटो भी खिंचाई थी। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है वहाँ पर, मतलब हमने ना जैसे हमने कॉलेज में बंक मारा ना तो ज़्यादा मतलब बहुत टाइम हम यहीं स्पेंड करते थे क्योंकि और कहाँ जाना था, पर यहीं पर ही टाइम स्पेंड करते थे, उस झूले में बैठते थे, इस झूले में बैठते थे। बढ़िया लग रहा है। तो गाइज आपने देखा ये पार्क भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अभी पब्लिक बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, यहाँ पर दो तीन ही यहाँ पर आ रखे हैं। और ये सरदार पटेल पार्क है, उनके याद में बना है, उनके नाम पे बना है। और आज के दिन हमने दो पार्क कवर किए हैं, एक सुभाष पार्क और एक ये पटेल पार्क जो आपने देखा। सुभाष पार्क अभी बना है, पटेल पार्क बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और जो पटेल पार्क है ये आर्मी एरिया के अंदर बना हुआ है और बहुत ही पुराना पार्क है। आपने देखा होगा यहाँ पर पेड़, जो पेड़ है कितने बड़े बड़े हैं, कितने पुराने पेड़ है। तो अब गाइज 7:30 हो गए हैं, 7:30 होने वाले हैं, तो अब हमें घर जाना चाहिए और अब हम घर जा रहे हैं। और क्या बोलूँ, और ये जो एरिया है, ये सोसाइटी है, बहुत प्यारी है। यहाँ पर बहुत ही, आपने देखा होगा यहाँ की रोड़े बहुत प्यारी है बिकॉज़ ये आर्मी एरिया है, तो यहाँ पर एकदम से भी अलाउ नहीं करते हैं किसी बाहर वाले बंदे को। तो सुभाष पार्क में तो आपने देखा बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है, और वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आ रखी थी और सब आ रखे थे वहाँ, बच्चे बूढ़े यंग कपल्स मैरिड कपल। और यहाँ पर अभी इतना नहीं है और शायद अंधेरा भी ज़्यादा हो गया इसलिए शायद नहीं है। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो और अब हम घर जा रहे हैं। तो आपने इस व्लॉग को पूरा देखना है और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और बाय गाइज, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, बाय। गाइज ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर चार्जेस लगते हैं, आई थिंक 10-20 रुपए की है टिकट। ये देखिए पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पर आपने अपना व्हीकल खड़े करना है, देन उसके बाद आपने पार्क के अंदर एंट्री करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने स्लिप कटवानी है और अब हम जा रहे हैं घर।